Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the second question. A container shaped like a right circular cylinder, having diameter 12 cm and height 15 cm. एक container है जिसकी shape एक cylinder की तरह है, जिसका diameter 12 cm और height 15 cm है. Is full of ice cream और उसके अंदर ice cream भरी हुई. The ice cream is to be filled into the cones of height 12 cm and diameter 6 cm. अब इस ice cream को आपको इस cone में जो है fill करना है कुछ cones के अंदर, जिस cone की height 12 cm है और diameter 6 cm है. Having a hemispherical shape on the top, जिसके ऊपर hemispherical आपको top जो है बनाना है, जैसा आप देखते हैं cone के ऊपर आप hemispherical top बनता है. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. तो आपको बताना है ऐसे कितने cones जो है आप इस cylinder वाली ice cream से fill कर सकते हैं. See, now student, यहाँ जो shape solid involved हो रहा है, वो solid क्या है? एक तो cylinder है, साथ ही एक कोन होगा और कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर होगा. अब जो कोन का हाइट है, कोन की हाइट जो होगी, वो कोन की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर. कोन का रेडियस कितना है? कोन का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर जो इसका डायमीटर है, तो 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा. हेमिस्फीयर का रेडियस की अगर बात करें तो वो कितना है? 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसका भी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ठीक है कोन के ऊपर आ रहा है. सिलेंडर की हाइट की बात करें तो सिलेंडर की हाइट कितनी है? यहां पर 15 सेंटीमीटर. और इसका रेडियस की बात करें तो ये कितना है? 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर है. नाउ स्टूडेंट, यहां पर हम ले लेते हैं सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट दिस, हम यहां पर क्या ले लेंगे? Let n cones is filled, n cones is filled by cylinders ice cream. Cylinder की ice cream से n cones filled हुए, तो इसका मतलब क्या होगा? n cones का जो volume होगा वो cylinder के volume के बराबर होगा. Therefore, n into volume of cone बराबर क्या होगा? Volume of cylinder के बराबर होगा. अब volume of cone क्या होगा? Volume of cone जो होगा वो volume of conical part यानी नीचे वाला जो conical part है, plus volume of हेमिस्फेरिकल पार्ट जो ऊपर की तरफ वाला हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इन दो से मिलके बनेगा. बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर, मैं कैपिटल आर ले रहा हूं, इनटू में कैपिटल एच की हाइट. अच्छा, एन इनटू में ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दिस इज एन इनटू में वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या होता है? 1/3 पाई, इसको मैं स्मॉल आर ले रहा हूं, इनटू में इसको स्मॉल एच ले रहा हूं, आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. यहां पे पाई बाय 3 मैं क्या ले लेता हूं? पाई बाय 3 कॉमन ले लेता हूं. पाई बाय 3 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच प्लस 2 R, this is R cube होना चाहिए student. R cube by R cube, ये आपका बचेगा. Is equal to pi R square H. यहाँ pi से pi cancel out हो जाएगा, तो N by 3 आपका कितना आएगा? ये आ जाएगा R square H upon R square H plus 2 R cube आ जाएगा. Simply यहाँ पे radius of cylinder की अगर बात करें तो कितना है? 6 cm. तो 6 × 6. हाइट कितनी है? वो हाइट है यहाँ पे कितनी स्टूडेंट? 15 है, तो 15 हो जाएगी दिस. अब कोन की बात करें, कोन का रेडियस कितना है? कोन का रेडियस आप देख सकते हैं ये 3 है इनटू 3. हाइट कितनी है उसकी? हाइट है यहाँ पे, दिस इज हाइट है यहाँ 12, प्लस ये हमारा 2,
इनटू यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है 3, तो ये 3 क्यूब हो गया दिस, और n बाई 3 यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट अब कैलकुलेशन करेंगे, 6 × 6 × 15 अपॉन में मैं क्या करता हूँ 3 × 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 × 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 12 प्लस 2 × 3, ये क्या आएगा 3 × 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया एक एक 3 से, तो n बाई 3 ये बचा। नाउ n बाई 3 बराबर कितना हो गया 2 × 2 × 15, नीचे क्या आएगा 2 × 3 = 6, 6 × 12 = 18 आ जाएगा। अब ये 3 से हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 6। नाउ अब हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 × 2 = 10, तो n बराबर 10, यानी 10 कौन सा जो रिक्वायर्ड आपके कौन से वो आप फिल कर सकते हैं इस आइसक्रीम से।